एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और आपको बताया कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का क्या कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। तो फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम्स के लिए एक्सरसाइज 1.2 में आई एम नॉट गोइंग टू डील विद ईच एंड एवरी क्वेश्चंस व्हाट इज गिवन इन द एक्सरसाइज बिकॉज आई नो वेल यू ऑल आर कैपेबल एंड व्हाट द कॉन्सेप्ट इट इज बीइंग डिलीवर्ड। इफ यू विल एक्सेस विद द वीडियो आई डेफिनेटली इंश्योर यू you won't have problem doing such type of questions. I am dealing along with one questions, as I said you, as I promised you, we'll deal with the questions which is something new, something involve the concepts. The question is, check whether questions 5 is, check whether 6 to the power n cannot end with 0. मैं ये क्वेश्चन नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी अगर ब्रैकेट के अंदर है, बेस है उसका पावर n है और यहाँ पे n दिया हुआ, n इज द नेचुरल नंबर, दिस इज स्ट्रिक्ट कंडीशन इज बीइंग अप्लाइड हियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि 6 का फैक्टराइज करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 6 इज द कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 6 हैज अ फैक्टर ऑफ 2 and 3। अब सवाल उठता है कि ठीक है उसे क्या होगा, तो मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि 0 से कौन सा एंड होगा। 0 से जैसे 10 का पावर 1, 10 का पावर 200, 10 का पावर 3, सो 0 होना चाहिए वंस प्लेस पे 0 से एंड होने के लिए, और उसके लिए फैक्टर क्या चाहिए आपको, 2 × 5 चाहिए। तो यहां फैक्टर क्या आ रहा है, 2 × 3, तो आप लिखोगे 6 हैज अ फैक्टर ऑफ 2 × 3, 2 and 3, so it will never end with zero. अब सवाल उठता है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट और ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, जीरो से कैसे एंड करेगा, तो आप लिखेंगे फॉर एंडिंग विद जीरो इट मस्ट हैव फैक्टर ऑफ 2 × 5। हर क्वेश्चन में आप यही लिखोगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 8 टू द पावर n आ जाए, कैन एंड विद 0, आप लिखोगे इट हैज अ फैक्टर ऑफ 2 × 2 × 2, इट कैन नॉट एंड विद 0, फॉर एंडिंग विद 0 इट मस्ट हैव फैक्टर ऑफ 2 × 5। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल गो बाय दिस वे ओनली। एंड व्हिच कांसेप्ट इज बीइंग यूज्ड हियर, हियर आल्सो इट इज बीइंग यूज्ड द फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। सो फॉर यूजिंग द फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम यू विल डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन LCM एंड SCM एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। And I hope I am very clear to you all. अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। जैसा कि मैंने कमिट किया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चैप्टर 1 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के उसके साथ हम डील करेंगे और उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में आते हैं तो एक प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर है और हमने एक स्पेशल वीडियो उसी पर बनाया है कि हम किसी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं। तो एक सिंगल इरेशनल नंबर को प्रूविंग का हमने बताया है। अब जैसे एक्सरसाइज 1.3 का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको एक ट्रिक बता देते हैं, एक टिप्स दे देते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरीके से है, आपको प्रूव करना है 3 + 2√5 इरेशनल है। क्वेश्चन 3 है, 3 + 2√5 इरेशनल है, ये आपको प्रूव करना है। कोई भी इरेशनल आपको प्रूव करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या होगा कि लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा। फिर अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको क्या क्या कर सकते हैं, 3 × √5 यहाँ पे a by b में एक्सप्रेस करेंगे और एक चीज लिखना नहीं भूलेंगे यहाँ, b0 = 0, ये डेफिनेटली लिखना नहीं भूलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम क्या करेंगे, 3 को इस तरफ लेके चले जाएंगे, यहाँ पे 2√5 = a/b − 3, क्या होगा यहाँ पे a − 3b/b हो जाएगा और √5 = क्या हो जाएगा, a − 3b/2b। अब जब आप ये यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे, a and b are integers, हो गया ये क्वेश्चन आपका, कैसे हो गया, तो यहाँ पे रूट फाइव क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है और ए भी आपने इंटीजर्स लिया है, बी भी आपने इंटीजर्स लिया है, आपका 2 भी इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर्स है, आप कोई भी वैल्यू लेके देखो ये वाला पार्ट आपको क्या मिलेगा,
राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या मिलेगा आपको, रैशनल नंबर मिलेगा, और रूट फाइव क्या हो रहा है, ये इरेशनल नंबर होगा। तो अगर एक तरफ इरेशनल नंबर है और दूसरे तरफ रैशनल नंबर है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे इट क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड वंस कॉन्ट्राडिक्शन विल बी क्रिएटेड आवर अजम्पशन विल बी रॉन्ग। व्हाट इट वाज आवर अजम्पशन, आवर अजम्पशन वाज दिस वाज द रैशनल नंबर, सो दिस डेफिनेटली वुड नॉट बी अ रैशनल नंबर, एंड इफ इट इज नॉट अ रैशनल नंबर इट वुड बी अ इरेशनल नंबर। तो आप फाइनली क्या लिखोगे, 3 plus 2 root 5 is the irrational number. I'm not solving a question for you, my dear children. I'm trying to convince you, I'm trying to give you the way to do the questions. Once you know how to do the questions, you will be very confirmed. Now, I'm just talking about the last. कि हम इससे पहले हमारे पास जो a upon b होता था, हमारा जो rational number का पहला है, उसको जब हम fraction को express करते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.4 बहुत इजी एक्सरसाइज है, हम बहुत ज़्यादा इसमें टाइम आपका इंगेज नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, बस सिर्फ इतना बता देंगे कि क्या होता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि हाउ वी कम टू नो वेदर द गिवन फ्रैक्शन इज इन द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अपने आप में एक थ्योरम दे दिया है, वो थ्योरम एनसीईआरटी में भी है और हमने भी एक्सप्लेन किया है, आप उसको एक बार देख लेना, मुझे लगता है कि आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे इसमें एक्सरसाइज 1.4 में करने के लिए क्या करना है हमको, तो डिनोमिनेटर को हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर का 2 to the power m into 5 to the power m, the factor of denominator if it is coming 2 to the power m into 5 to the power m, then it would be terminating. उसमें हो सकता है कि m 0 हो, n 0 हो, अगर m 0 होगा तो क्या होगा, या तो 2 to the power m के भी ये होगा आपका terminating, ये सब ध्यान रख लो आप, ये होगा आपका terminating, ये भी होगा terminating, ये भी होगा terminating, 5 to the power m shift है तो भी होगा terminating, terminating. और इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है, इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके अलावा एक्सेप्ट दीस, एक्सेप्ट दीस कुछ भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब सवाल उठता है कि मैं क्यों बात कर रहा हूं इन सब चीजों की, तो एक क्वेश्चन 1.4 का है और जैसे ये सारा चीज दिया भी है, आपको समझ में भी आएगा, एक्सप्लेन भी करा जाएगा, तो आई एम जस्ट डीलिंग विद वन क्वेश्चन। सपोज वन क्वेश्चन इट इज योर 6/15, क्वेश्चन इज 6/15 एंड वी नीड टू से वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो व्हाट वी डू, विल गो विद द 15, क्या होगा इसका 3 into 5 होगा, और 3 into 5 होगा तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। नहीं बच्चे, आपको ये नहीं करना है, मैं इसलिए इस चीज को बताना चाह रहा था, इसको पॉइंट आउट करना चाह रहा था। वेन एवर इट कम्स अ फ्रैक्शन इन फ्रंट ऑफ यू एंड इफ यू वांट टू डिसाइड, द वेरी फर्स्ट टास्क वी शुड हैव व्हाट टू कन्वर्ट टू चेक वेदर इट इज इन को प्राइम और नॉट। को प्राइम मीन्स वेदर इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। इस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो रहा है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। व्हाट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज 2/5। नाउ यू सी व्हाट इज कमिंग, इफ इट इज 5, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power n, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो बी केयरफुल, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू वेयर स्टूडेंट्स मेड द मिस्टेक नॉर्मली। So, whenever you are going to do this exercise 1.4 and whenever it comes a question in front of you, be cautious. First, you check whether the given fraction is in the simplest form or not, and then go ahead and then apply these concepts. I hope I have dealt with all the important questions from chapter 1. This is the last video for the real number, and very soon I'll come with the next chapter. Polynomial. Thank you very much. See this video very carefully. If you feel any type of problem, if you need any comments, please forward it, and we'll see you in the next video.